एक पेट को घर तभी लाइए जब आपके पास हो उन्हें देने के लिए टाइम, कंफर्टेबल स्पेस, और आपकी फैमिली भी आपके पेट से उतनी ही कंफर्टेबल और अफेक्शनेट हो जितने की आप हैं। Hello, pet parents and pet lovers. Welcome to The Tale's Tale, where I unbox, review, and recommend pet products based on my personal experience. I am Nidhi, a pet enthusiast with learnings in animal first aid, dog nutrition, and animal behavior and welfare. तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जिसे लेके हम में से काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि why do we need a pet in our life? क्यों एक पेट की जरूरत है हमारी लाइफ में? कई सारे क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स हमारे दिमाग में होते हैं जो एक पेट को घर लाने का डिसीजन हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे रीजंस जो आपका ये डिसीजन लेने में थोड़ा हेल्प कर लेंगे, पर उससे पहले पेट से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स, पेट प्रोडक्ट रिव्यूज के वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन। एक नॉर्मल सी लाइफ जहाँ आप रोज स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते हैं, लौट के घर आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, बोरिंग साउंड करता है ना। वॉट कैन ब्रिंग इमेंस जॉय एंड लाइवलीनेस इन दिस वर्कअडे लाइफ कैन बी अ पेट। फिर चाहे वो हो कैट, डॉग, हैमस्टर, गिनी पिग, रैबिट, फिश या बर्ड, चॉइस आपकी है। मासूम सी आंखें, अनकंडीशनल लव और एक कभी ना खत्म होने वाला कनेक्शन, ये सब सिर्फ एक पेट आपकी लाइफ में ला सकता है। आप सब तो जानते ही होंगे कि एक पेट का लव अनकंडीशनल होता है। वो बिना किसी शर्त के आपसे सिर्फ प्यार मांगता है। His love never fails. वो सारी जिंदगी अपने ह्यूमन के लिए लॉयल रहता है। A pet has power to heal emotions, जिसे आप जब चाहें अपने दिल की बात कर सकते हैं। वो आपको रिटर्न में वापस एडवाइस तो नहीं देगा, पर हाँ, बहस भी नहीं करेगा और चुपचाप बैठ के आपकी सारी बात सुन लेगा। You can just simply talk your heart out with him. The idea of having a lifelong companion with slobbery kisses and a personal cuddle buddy, आपका दिल जीत लेगा। आपके प्यार से वो कभी इरिटेट नहीं होगा। उसे बस प्यार करते जाइए with no ifs and buts. Pets हमें एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग की एहसास करवाते हैं। Pets का ध्यान रख के, उनकी देखभाल करके हमें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, गर्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसे अपनी फैमिली का मेंबर बनाएं, ढेर सारा प्यार दें और एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखिए। फिर देखिए वो आपको रिटर्न में कितना प्यार देते हैं। फॉर डेज यू हैड अ ब्लीक डे एट वर्क, जब आपका मूड अच्छा नहीं है, वो पेशेंटली घर पर आपका वेट करेगा। जैसे ही आपकी गाड़ी की आवाज़ आएगी, उसकी आँखें चमक उठेंगी और फिर जैसे ही आप घर में घुसेंगे, वो आपके सारे दिन का स्ट्रेस ऐसे कैप्चर कर देगा और इंस्टेंटली आपका मूड लिफ्ट कर देगा। क्या आप सबको ये पता है कि पेट्स के साथ खेलने से आप में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन, और ये आपका मूड इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देते हैं। आप एनर्जी से भर जाते हैं और काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। इसी एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं मेरे पेट वीडियोज़ देखने के लिए, मेरा चैनल द टेल्स टेल सब्सक्राइब करके। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पेट्स हर एज के लिए होते हैं। फॉर चिल्ड्रन दे कैन बी ग्रेट कंपेनियंस, और बुजुर्गों की लाइफ में लोनली होने का एहसास वो कम कर देते हैं। पेट्स को हमेशा अपने ओनर्स के आसपास रहना पसंद होता है क्योंकि ये उनमें सेफ एंड सिक्योर होने की फीलिंग लाता है, और इसी तरह वो आपके आसपास रह के आपको अकेला फील नहीं होने देते। रीसेंट स्टडीज़ के अनुसार पेट एक्सपोजर से बच्चों में और यंग अडल्ट्स में एलर्जीज और स्किन डिसऑर्डर्स होने के चांसेस कुछ हद तक कम हो जाते हैं, अनलेस यू आर ऑलरेडी प्रोन टू सम एलर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऑलरेडी कुछ स्किन इश्यूज हैं, एलर्जीज हैं या एस्मा है, तो आपको एक पेट को घर लाने से पहले इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो डू नॉट वेट टू गेट अ पेट होम। इन फैक्ट, पेट्स ऑल्सो हेल्प अस रेज आर फिजिकल हेल्थ, क्योंकि दिन में दो बार एटलीस्ट या तो आपको उनके साथ खेलना पड़ेगा या वॉक पे लेके जाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, इस बहाने आपका थोड़ा वर्कआउट ही हो जाएगा। फ्रेंड्स,
अपार्ट फ्रॉम द वार्मथ अ पेट हैज़ टू ऑफर, अगर हम स्पेसिफिकली डॉग्स की बात करें जो कि इंडिया में सबसे कॉमन पेट हैं, तो रीसेंट स्टडीज़ के अनुसार डॉग्स में हमें काफ़ी तरह की बीमारियों के बारे में सिग्नल्स देने की एबिलिटी होती है. दे हैव एबिलिटी टू डिटेक्ट सीजर्स एंड दे कैन इवन स्मेल कैंसर. कुछ पेट्स में अपने ओनर्स को अनफोर्सीन सफरिंग से अलर्ट करने की एबिलिटी होती है. वो किसी ना किसी तरह हमें सिग्नल्स दे के सतर्क कर देते हैं. पेट्स हमें कुछ और डिजीज़ जैसे कि स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब से डील करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि पेट्स के साथ हमारी सोशल लाइफ और एक्टिव हो जाती है. दूसरे पेट पेरेंट्स के साथ हम मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं. इनफैक्ट आजकल तो इंडिया में पेट पार्टीज और पेट किटीज भी होती हैं. पेट्स के लिए स्पेशल रेस्टोरेंट्स, कैफेज, कम्युनिटीज़, ये सब अवेलेबल हैं जहां आप दूसरे पेट ओनर्स के साथ मिल सकते हैं और अपना और अपने पेट का फ्रेंड सर्कल बढ़ा सकते हैं. पेट्स फिल ह्यूमंस विद इमोशंस ऑफ एम्पैथी, खूब सारा प्यार और केयर. वो अपने ह्यूमंस के सच्चे दोस्त होते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन सभी पेट लवर्स के लिए जो पेट ओनर्स बनना चाहते हैं, एक पेट को घर तभी लाइए जब आपके पास हो उन्हें देने के लिए टाइम, कंफर्टेबल स्पेस, और आपकी फैमिली भी आपके पेट से उतनी ही कंफर्टेबल और अफेक्शनेट हो जितने कि आप हैं. इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो प्लीज़ प्लीज़ अपना डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच समझ लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आप और आपका पेट दोनों ही सफ़र ना करें. सो आई होप अपने इस वीडियो से मैं एक एनिमल को पेट बनाने के लिए आपको कन्विंस कर सकूँ और एक पेट को उसका फॉरएवर होम दिला सकें. हाउ कुड यू पॉसिबली रिजिस्ट दैट क्यूट फेस. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे. तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप पेट से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दे दीजिए. सी यू ऑल रियल सून. तब तक के लिए डोंट ट्रबल बट ओनली कडल योर पेट.